स्वागत है अनुष्का व्लॉग में। दोस्तों मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। ये है काली उड़द की दाल सफ़ेद वाली, और ये इसमें मैं कुछ मसाले ले लूँ, जैसे प्याज है, मिर्च है, और हरी धनिया है, अदरक है, लहसुन है, और कुछ साबुत मसाले हैं। दोस्तों इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये है सूरन, सूरन के मैं बनाऊँगी सब्जी। और ये है जो दाल मैं दिखाई थी, मिक्सर कर ली हूँ, और इसमें ये मैं डाल देती हूँ भुना हुआ जीरा है, और ये हींग है, और एक चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। दोस्तों इसमें आप इस समय नमक नहीं डालना है, इसमें इसको मैं मिक्सर कर लेती हूँ। ये देखिए इसको मैं मिक्सर कर ली हूँ, अब इसको अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो पे जो नए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। और इधर मैं ले ली हूँ सूरन, सूरन में मैं डाल देती हूँ हल्दी, और इसमें डाल दूँगी बेसन। इन दोनों चीज़ को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको हाथ से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से आप एक बार सूरन की सब्जी और वो उसका मैं बनाऊंगी पूड़ी, तो एक बार इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएं। चलिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैं मिला ली हूँ। इधर ले ली हूँ मैं कढ़ाई, इसमें डाल देती हूँ तेल। तेल मेरे अच्छे से गर्म हो जाता है, फिर इसमें मैं वो जो मैं सूरन मिक्स करके रखी थी वो डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ऐसा फ्राई करना है दोस्तों कि जैसे ये आधा पक जाए और आधा कच्चा रहे, आपको पूरा फ्राई नहीं करना है। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लेना है सूरन। अब इसको देखो हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, और इसमें डाल दूंगी मैं मेथी दाना, और डाल दूंगी तेज़पत्ता। दोस्तों इसको तड़का मारना आपको जीरा और मेथी और तेज़पत्ता से। मेथी जीरा मेरे अच्छे से चटक गया। देखिए मैं फ्राई कर ली हूँ। देखो देखिए इसको आधा ही पकाना है, पूरा नहीं पकाना है इसको फ्राई करते समय। दोस्तों इस तरह से आप एक बार ज़रूर सूरन की सब्जी बनाएं। और ये है जो मैं मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, ये सब मैं काट के जो रखी थी उसको मैं पीस ली हूँ। आपको उसको अलग अलग नहीं पीसना है, एक ही में मिक्स करके पीसना है। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर, और इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। इन सब सूखे मसालों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए सब मसाला मैं डाल ली हूँ, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों आपका मसाला जब अच्छे से पक जाए तब उसमें आपको सूरन डालना है। इसको मैं ढक दूँगी। देखिए तेल पूरा, देखो ओरे ओरे, देखो साइड से दिख रहा है। जब आपका मसाला ऐसा हो जाए तब सूरन आपको इसमें डाल देना है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, और इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों इस तरह से आप एक बार सूरन की सब्जी ज़रूर बनाना। देखिए सब्जी मेरे अच्छे से हो गई, इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ती।
सब्जी मेरा देखिए बनके कितना अच्छा तैयार हो गया है। और इधर मैं ले ली हूँ आटा, मैं गूंथ के ले ली थी। अब देखिए इधर मैं पूड़ियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो स्टफिंग में बना के रखी थी मैं इसमें भर लूँगी। ये देखिए आपको इस तरीके से भरना है, चारों तरफ फैला देना है। अब इसको अच्छे से मोड़ लेना है। ये देखिए दोस्तों पूड़ी भी आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना, इसका पूड़ी बहुत अच्छा आता है। काली उड़द दाल जो सफ़ेद वाली होती है, आप चाहे तो छिलके वाली भी ले सकते हैं, उसको घर पे भिगो के धो सकते हैं। और नहीं तो ये काली उड़द की आपको मार्केट में आसानी से वाइट वाली दाल मिल जाएगी। ये देखिए आपको कुछ ऐसा पूड़ी बना के रख लेना है। तेल में रख दी हूँ गर्म होने के लिए। चलिए मैं बना के रख लेती हूँ। देखिए ऐसे मैं बना के पूड़ियाँ रख लेती हूँ, फिर तलूँगी इसको। देखिए आपको ऐसा मोड़ लेना है। चकला बेलन का आप यूज ना करें। देखिए तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ पूड़ी। दोस्तों इसको तलते समय लो टू मीडियम आंच करके ही तले, नहीं तो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर ये कच्चा ही दिखेगा। आपको स्लो ही करके पकाना है इसको। इस तरह से आप ज़रूर एक बार ये पूड़ियाँ बनाएं। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है खाने में। सूरन की सब्ज़ी जो मैं बनाई हूँ उसके साथ ही आप बनाएं ये पूड़ी। देखिए कितना अच्छा पूड़ी फूल रहा है। चलिए देखिए पूड़ी मेरा कुछ ऐसा हो गया, इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। सारे पूड़ी को ऐसे मैं तल लेती हूँ। ये देखिए पूड़ी मेरी बनके तैयार हो गई है, पूड़ी और सूरन की सब्जी। इधर मैं पापड़ रख ली हूँ। दोस्तों एक बार इस तरीके से पूड़ी और सब्जी ज़रूर बनाएं। देखिए कितना अच्छा पूड़ी बना हुआ है। ये देखिए तोड़ के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा बना था। दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज़ जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।